जैसे आप बता रहे हो कि नीम के तेल का स्प्रे करना है, तो ये स्प्रे करने के लिए हमें ये सामग्री जो है इसमें से कितनी कितनी मात्रा लगेगी स्प्रे करने में हम? जैसे कि अपनों ने इसके अंदर ये टंकी भर लिया, 15 लीटर पानी इसके अंदर है, इसके अंदर 60 से 70 मिलीलीटर नीम का तेल हम इसके अंदर मिलाएंगे। और ये जो शैम्पू का एक पाउच है, ये पूरा पाउच इसके अंदर मिला देते हैं। और ये सभी सामग्री इसके अंदर डालने के बाद में इसको अच्छा मिला देते हैं। ये जो नीम के तेल का छिड़काव है, ये हमें कितने एकड़ में कितने पंप स्प्रे करना चाहिए? नीम के तेल का छिड़काव 1 एकड़ के अंदर 7 से 8 पंप का छिड़काव हमें करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने टंकी में एक शैम्पू का पाउच मिलाया, तो ये क्यों मिलाया, इससे क्या होता है? भाई साहब, नीम का तेल जो है वो बहुत चिकना होता है, और जैसे ही अपन इनका छिड़काव अगर पत्ते के ऊपर करेंगे या पौधों के ऊपर करेंगे तो वो तेल सीधा का सीधा नीचे चला जाता है, पौधे के ऊपर उसका असर होता ही नहीं है। और नीम नीम के तेल के साथ में शैम्पू का पाउच अगर अपन इसके अंदर मिला देते हैं तो इसका असर इसके ऊपर रहेगा, ये मतलब पत्ते के ऊपर से इसको नीचे गिरने नहीं देगा, इसीलिए शैम्पू का पाउच इसके साथ में मिलाना पड़ता है।